अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइस, आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ग्रेट ए परफेक्शन लॉर्ड्स लोगो। तो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसको क्रिएट करूँगा और आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आप परफेक्शन लॉर्ड्स लोगों को कैसे क्रिएट करेंगे। और मेरे पास 5 ग्रेडिंग कलर है और ये मैं इजी इसमें जो है वो यूज़ करूँगा। तो गाइस, आपके जो भी फेवरेट कलर है आप उनको पहले क्रिएट कर लें और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने ये 5 कलर जो है ये मैंने क्रिएट किए हैं और आप यही मैं अपने लोगों में जो है वो इसमें यूज़ करूँगा। तो आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा इस वीडियो में परफेक्शन लोगो कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइस, चले आप मेरे वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो चलें गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें पहले एक हम ले लेते हैं यहाँ पे कर्सर को सेलेक्ट कर लेते हैं, गोल कर्सर को, और इसकी मदद से जो है वो मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। और इसको जो है वो इसको दोबारा जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। आपने बिल्कुल इसी तरह इसको ड्रॉ कर लेना और इसके बाद आपने आ जाना है ये। अब आपको लास्ट में जो है मिल जाएगा अनचोर पॉइंट टूल्स मिल जाएगा, इसकी मदद से इसको क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे आपने चेक लगाना है और एक यहाँ पे, तो आपके पास ये वाली जो है शेप जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एक तो तरीकाकार ये है और दूसरा तरीकाकार आप बता देता हूँ। इसी शेप को आप रेडी करने के लिए आप गोल कर्सर को लेंगे और इसको सिंपल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और एक इसकी और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। और जैसे ही आप बनाएंगे इन दोनों को आप करेंगे सिलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद इनको कर देंगे पाथ फिल्टर थर्ड वाला, तो आपके पास ये वाली शेप जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जो आपको इजी मेथड लगे आप वही यूज़ कर लीजिएगा। तो वैसे मैं पहले वाला जो है इसको यूज़ कर लेता हूँ। ओके, दैट्स गुड। और इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा और काफ़ी। अब इसको जो है वो मैं करूँगा रोटेट। और रोटेट कैसे करना है इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको रोटेट टूल जो है वो मिल जाएगा। आर प्रेस करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, आर प्रेस करेंगे तो आप इस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद इसमें जो है वो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर दूँगा गाइस। ओके, तो जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया तो गाइस आपके पास एक विंडो रोटेट वाली ओपन हो जाएगी और ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको कितने एंगल पे जो है वो रोटेट करना है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी जो है वो गाइस वैल्यू आ सकती है। आप देख सकते हैं 30, मैंने जैसे ही मैंने 30 किया तो ये 30 के एंगल पे जो है वो रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैं रोटेट करूँगा वो 45 के एंगल पे इसको मैं रोटेट करूँगा। और यहाँ पे आपने प्रीव्यू को ऑन कर देना है। तो यहाँ पे हमें कॉपी की ज़रूरत है तो हम कॉपी करेंगे। ओके नहीं करेंगे तो कॉपी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने गाइस कॉपी पे क्लिक किया तो आप दो लेयर जो इधर मेरी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो अब इनको मैं डुप्लीकेट करता जाऊँगा, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता जाऊँगा तो ये मेरी डुप्लीकेट लेयर जो है वो क्रिएट होती जाएगी। तो हमारे पास 5 कलर हैं। तो गाइस, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको इस तरह का क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसमें से मैं कुछ जो लेयर्स हैं इनको मैं डिलीट कर दूँगा और नीचे वाली को 3 को मैं डिलीट कर दूँगा और मेरे पास ये 5 जो लेयर जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। और इन्हीं में मैं अपने लोगों को जो है वो लॉर्ड्स लोगो है इसको क्रिएट करूँगा। तो अब इसमें गाइस मैं क्या करूँगा, 1 by 1 जो मेरे पास ग्रेडिंग कर रहे हैं इनको मैं जो है इसमें फिल कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको ई ड्रॉपर टूल मिल जाएगा। इस पर आपने सिंपली क्या करना है कि क्लिक कर देना है और दोबारा जो है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और आई को प्रेस करूँगा और सेकेंड वाला कर लूँगा। फिर मैं ऐसे ही सबको जो है वो सिलेक्ट करता जाऊँगा और अपने कलर फिल करता जाऊँगा। ओके गाइस, आप देख सकते हैं मेरे कलर जो है वो बिल्कुल जो है वो फिल हो गए हैं। लेकिन गाइस, अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेडियंट में आपने ट्रांसपेरेंट पे चले जाना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल लिखा हुआ है तो हमने नॉर्मल नहीं करना। इसको मैं आपको बता देता हूँ ये डार्क है और मल्टीप्लाई कर लें कलर ब्राउन आप करते जाएँ। लाइट करना है तो लाइट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर
लाइट्स का, जैसे ही आपने लाइट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और लेकिन यहाँ पे मैं जो करूँगा वो है स्क्रीन। और जैसे ही मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया तो आपके पास ये देख सकते हैं कैसा कितना ज़बरदस्त जो वो हमारा क्रिएट हो गया परफेक्शन लोगो। तो गाइस आपने भी इसी तरह कर लेना। और अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करूँगा इस कलर की, ओके डैट्स गुड। और इस कलर की भी मैं थोड़ी सी सेटिंग करूँगा ग्रेडिंग कलर की, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें खूबसूरत नज़र आए। तो गाइस आपने भी थोड़ी बहुत इनकी सेटिंग कर लेनी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें खूबसूरत नज़र आए। बाकी सेटिंग आपने गाइस वो ही करनी है जो मैंने जो है वो उधर की है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा जो है परफेक्शन लोगो बिल्कुल जो है वो क्रिएट हो गया और कितना ज़बरदस्त हो गया। अब अगर आप इसको जो है शेडो देना चाहें तो शेडो भी दे सकते हैं। तो चले मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद गाइस इसको शेडो देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा क्रिएट होता है। तो चलें इसको हल्का सा यहाँ पे हम शेडो दे देते हैं, वाइट कलर का देंगे क्योंकि हमारे पास ब्लू डार्क बैकग्राउंड है, तो इसलिए हम इस पर वाइट देंगे। अगर हमारे पास वाइट बैकग्राउंड होती तो हम ब्लैक शेडो देते, सो इसलिए मैं वाइट दे रहा हूँ। एफएक्स और यहाँ पे स्टाइल्स में और इधर में आ जाना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू को कम कर लेता हूँ, ओके डैट्स गुड। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका शेडो भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो गया और बहुत ज़बरदस्त जो हमारा लॉट्स लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। तो आई होप कि इस तरह का लोगो क्रिएट करने में अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।